तो अभी मेरे पास है दो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम माइक्रोफोन्स, बोआ M1, एक ब्लैक कलर में जो कि मैं अभी यूज कर रहा हूँ और पिछले 6 महीने से आप इसी का साउंड सुन रहे हो, और ये है नया व्हाइट बोआ M1। लेकिन मैंने ये सेम माइक्रोफोन दो बार क्यों लिया, चलिए बताता हूँ। तो इससे पहले कि मेरा कंप्लेंस बाहर आने लगे, मैं थोड़ा ऑडियो टेस्टिंग कर लेता हूँ। अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ विदाउट एनी माइक्रोफोन, ताकि आपको थोड़ा अंदाजा मिल जाए कि माइक्रोफोन के बिना साउंड कैसा आ सकता है। ये मेरा 200D का इंटरनल माइक्रोफोन है और मुझे नहीं लगता इसका क्वालिटी ज्यादा अच्छा होने वाला है। राइट नाउ मैं यूज कर रहा हूँ मेरा पुराना बोआ माइक्रोफोन बोआ M1 ब्लैक, और इसको मैंने फ्लिपकार्ट से खरीदा था मई 2022 में। लेकिन इसमें एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। तो ये है उस माइक्रोफोन का सेंट्रल मॉड्यूल जिसमें स्विच वगैरह सब कुछ रहता है, लेकिन इस पर्टिकुलर यूनिट में एक प्रॉब्लम आ रहा है। ऑडियो ऑलराइट इसको अगर मैं थोड़ा सा भी शेक कर दूंगा या फिर इसको पहन के चलने लगूंगा तो इसका साउंड तो गया समझो। चलो एक्सपेरिमेंट करते हैं। ऑडियो ऑलराइट ओके, आई गेस इसका साउंड सही रहेगा। ऑडियो कैसा है? ऑडियो थोड़ा ज्यादा ही लाउड लग रहा है। एनीवे, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम यूजिंग इट ऑन कैमरा, और इससे पहले मैंने इसको टेस्ट भी नहीं किया है। साइड से थोड़ा नॉइज भी आ रहा है, लेकिन पता नहीं ये सुनने में कितना क्लियर होने वाला है। एक्चुअली मैं मेरा फोन के ऊपर इसको मॉनिटर करता हूँ, और अभी देखो, अभी इधर ये ऑडियो बार को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि साउंड शायद थोड़ा ज्यादा लाउड है। तो अभी मैं इसको मैन्युअली एडजस्ट नहीं करूंगा इसका डेसिबल काउंट को, क्योंकि इसको जैसे वैसे काम करने दो, ताकि आपको अच्छे से आइडिया लगे कि इसका परफॉर्मेंस रियल लाइफ में राइट आउट ऑफ द बॉक्स कैसा होने वाला है। अभी मैं अगर थोड़ा धीरे से भी बोलूं तो भी बहुत ही क्लियर साउंड आ रहा है। ये जो कैमरा का साउंड का ग्राफ होता है उसके अकॉर्डिंग मैं बोल रहा हूं, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग मैंने अभी तक सुना नहीं है, तो देखते ये कैसा रहता है। अभी आपका मन में एक ही क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर पुराना माइक्रोफोन इतना खराब था तो मैंने एग्जैक्ट सेम मॉडल क्यों लिया। रीजन नंबर 1, 1000 के नीचे इससे अच्छा आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। एंड रीजन नंबर 2, मुझे ये देखना है कि एक्चुअली प्रॉब्लम एक ही यूनिट में था या फिर सारे के सारे माइक्रोफोन्स ऐसे ही है। वैसे मुझे व्हाइट वाला नहीं लेना था, लेकिन लेना पड़ा मजबूरी में, क्योंकि 19th मतलब नेक्स्ट संडे को मेरा एक प्रोग्राम है तो वहां पे मुझे शूट करना है। और ये जो ब्लैक वाला था, अगर मुझे वो कलर लेना पड़ता तो वो थोड़ा लेट मिलता, तो मजबूरी में लेना पड़ा, क्योंकि एज यू नो व्हाइट थोड़ा जल्दी गंदा हो जाता है, तो पता नहीं ये कैसा रहने वाला है। देखते रहोगे इस माइक्रोफोन को मेरा अलग वीडियोस में तो पता चल जाएगा आपको। लेकिन अभी जैसे ये परफॉर्म कर रहा है, मुझे लगता है ये अच्छे से चलने वाला है, तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन आई होप अभी आपको आइडिया मिल चुका होगा कि इसका परफॉर्मेंस कैसा है और साउंड क्वालिटी कैसा है। तो आप मुझे कमेंट में बताओ कि आपको लगता है इस चीज को लेना चाहिए कंसीडरिंग द 800 रुपीज प्राइस टैग। वैसे मेरा ये वाला माइक्रोफोन का तो काम खत्म। वीडियो अच्छे लगे तो सब्सक्राइब कर लेना। मैं हूं मिडनाइट, और आपसे फिर मिलेंगे बाइनाबाइट में।